नमस्ते जी, कैसे हैं सारे? जरूर बताइएगा कैसे हैं। तो आज दिन को थोड़ी बारिश हुई थी तो थोड़ी ठंड हो चुकी है, इसलिए मैंने स्वेटर लगाई हुई है। और आज मैं आप सबको कुछ नया दिखाने वाली हूँ। शायद कुछ लोगों के लिए वो नई चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए वो नई चीज़ है क्योंकि मैं वो चीज़ पहली बार देख रही हूँ अपने सामने बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं कुछ नया। तो अभी हम आ चुके हैं खेत, ये वाला जो करेले वाला खेत है यहाँ पे, और ये देखिए मीठे करेले को कितने सारे फूल लग गए हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मॉल करेला, बिल्कुल छोटा सा करेला है और इतने ही करेले लगेंगे इसमें, बहुत ज्यादा। ये देखिए कितने सारे फूल लगे हैं अभी, और मौसम देखिए अब यहाँ पे हमने मक्की पूरी काट के पूरा क्लोज कर दिया इस साइड पे। और ये है अंगूर की बेल, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की बूटी भी है दो। दूसरी कहाँ गई? हाँ ये तो यहाँ देखिए इस खेत में पूरे करेले ही करेले हैं, देखिए। तो चलिए आगे, यहाँ पे पूरा करेले का जाल है। तो आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, ये देखिए ये थोड़ा करेले से जरा वो हो गया है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ बड़ी इलायची का पौधा। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है बड़ी इलायची का पौधा, ये देखिए इसके पत्ते। एक ही है ये पौधा, एक ये है, बाकी उधर अभी नए नए लगे हुए हैं पौधे। ये देखिए कहाँ कहाँ इलायची, मेरे को तो पता नहीं है, मैं पहली बार ही देख रही हूँ इलायची का, बड़ी इलायची का पौधा। ये देखिए ये ही इलायची, और अम्मा निकालेंगे अब इसको। वाह, ये देखिए, खोलो जरा इसको, इसके अंदर है इलायची। मैं तो पहली बार देख रही हूँ इसको, काट रहा हूँ। अच्छा यही है मतलब पूरी ऐसी, यही है, ये सुखानी है सिर्फ, सुखानी है। अच्छा तो मतलब यही सुखानी हमने, ये इलायची और काम पे ये वाली। वाह ये देखिए, ये है हमारी दूसरी इलायची, दो निकली है, देखते हैं कितनी इलायची निकले। अभी ये पौधा इतना बड़ा नहीं है, एक ये है, मैंने तो पहली बार देखी है, ये पहले नहीं देखी थी मैंने। अभी मतलब इनको सुखाएंगे। और कहाँ पे हर साल लगती है कि कैसे लगती है ये? हर साल। एक यहाँ पे भी है, ये देखिए। अच्छा ये देखिए कि यहाँ पे भी, ये इसको निकालो, देखते हैं कितनी इलायची निकलती है। इनमें लगती है इलायची, ये वाले जो हैं इसके बीच में थी इलायची, मैं जूम करके बताती हूँ आपको, ये वाला इसमें लगी थी इलायची। और ये देखिए, और मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा, यहाँ पे भी नहीं है, एक यहाँ पे है। यस ये देखिए, मैं जूम करके बताती हूँ आपको, कुछ इस तरह की होती है इलायची। कहाँ है? है नहीं है, इस तरफ हो सकती है, आगे वाली साइड, ये वाली साइड। तो ये भी है इसके नए पौधे जो लगाए हैं, इनसे निकाल के किस चीज से बनेंगे पौधे? एक एक निकाल के? हाँ ये निकाल, ये निकालनी तो मतलब पौधे अलग अलग बनेंगे। अभी तो ये एक ही बड़ा है, अभी लगाएंगे हम बूटी, कब लगाएंगे? अगले महीने लगाएंगे। ये देखिए दो ये लगाए, कुछ पीछे भी होंगे, ये देखिए। है और
मुंडा कर लगती है दामन लगती चूड़ी के। अच्छा नीचे ही लगती है ना, मतलब यहीं पे लगेगी इर्द गिर्द जो भी लगेगी यहाँ पे। हाँ मैंने सोचा पता नहीं इसके अंदर होती होगी, निकल ही नहीं रही है। बस और भी होगी एक दो तो। कितने साल पहले लगाया था ये पौधा? 3 साल। 3 साल में कितनी बार निकाली? 3 बजा ना, दूसरी बार है। अच्छा ये दूसरी बार निकाल रही इलायची। इससे पहली बार कितनी निकली थी? इतनी है निकली। इतनी अभी नहीं दिख रही ना, अब नहीं है। है ये मैं तो बड़ी इलायची का पौधा पहली बार देख रही हूँ, मुझे तो पता नहीं था कहाँ लगती है। मैंने सोचा पता नहीं जमीन में लगती है कि फूल लगते हैं, क्या लगता है। तो ये है पूरा बड़ी इलायची का पौधा, ये पत्ते ध्यान से देखिए आप। तो ये करेले इसके ऊपर ही चढ़ गए, देखिए निकली और साथ में मीठे करेले चढ़ गए इसके ऊपर। वैसे ढूंढना पड़ता है मतलब इसमें। छोटी इलायची के फूल लगते हैं ना कुछ? हाँ, फूल लग देने ऊपर लगती है। लग पत्ते तो सेम ही होते हैं। ये देखिए करेले ही करेले। ये देखिए कितना छोटा सा करेला है, बिल्कुल स्मॉल। ये मीठे और कड़वे करेले मिक्स हैं इस खेत में। खेत मैक्सिमम खाली हो ही चुके हैं हमारे। इतना बड़ा हो गया ये पौधा, करेले की बेल हटा देते हैं इससे। हाँ जी है और बस। ये देखिए इतनी बड़ी इलायची निकली, ये दूसरी बार निकली, पहली बार भी इतनी निकली थी, 8-10 इलायचियां। तो अभी इनको सुखाएंगे और उसके बाद ये काली होंगी और उसके बाद ही इन्हें यूज कर पाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से इतने करदाने निकले हैं और ये अम्मा ही निकाल रहे हैं। मैंने तो पहली बार ही देखा इलायची का पौधा, बड़ी इलायची का, और काफी अच्छा लगा देख के मुझे बड़ी इलायची का पौधा। देखिए अभी तो धूप बस थोड़ी ही रहेगी, कल हम इनको धूप में रखेंगे और सुखाने के बाद ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। बस हाँ, ये पतली पतली करनी पड़ेगी अब। ये जो है जितने अलग करने पड़े, जितने पतले होते हैं उतनी मतलब इलायची ज्यादा होगी। तो ये देखिए बाद में हम क्या करेंगे, इस पूरे खेत में ही बड़ी इलायची लगा देंगे। उधर भी लगाई हुई, उधर भी लगाई हुई है, तो इनको हम पूरे खेत में फिर अलग कर देंगे। बहुत ही ज्यादा मीठे करेले लगने वाले हैं, ये देखिए मतलब मजा ही आने वाला है। और कहाँ लगेंगे, देखिए कितने सारे लग रहे हैं इसमें, तो पूरे खेत में ही मीठे करेले हैं ये देखिए। और ये देखिए पूरे खेत में करेले ही करेले हैं, मतलब कितने करेले खाएंगे। अभी तो अभी स्टार्टिंग ही हुई है लगना। ये देखिए फूल मीठे करेले के, जब सारे लग जाएंगे तो बहुत ही सुंदर होंगे देखने में। ये देखिए वो परे लास्ट तक, परे जो लास्ट में जो पौधा दिख रहा है
उस तक करेले ही करेले हैं। तो चलिए अभी बड़ी इलायची निकाल ली है हमने और आपने देखा कि सिर्फ 13 ही इलायची निकली है, क्योंकि ये पौधा अभी नया है और एक ही पौधा है, एक पौधा ये लगाया था अम्मा ने, तो काफी बड़ा हो चुका है अब। और पिछले साल भी जब पहली बार इससे निकाले थे तब भी 8-10 दाने ही निकले थे बड़ी इलायची का, और इस बार 13 दाने निकले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट टाइम जब ये खेत पूरा खाली हो जाएगा, अभी तो करेले हैं बहुत ज्यादा, जब ये खत्म हो जाएंगे, जब पूरा खाली हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ हम इनको अलग अलग करेंगे और इस पूरे खेत में हम बड़ी इलायची लगाएंगे। तो आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने बड़ी इलायची का पौधा पहले देखा था या नहीं, आपको पता था कि बड़ी इलायची कहाँ लगती है, फूल लगते हैं या फिर जमीन पे लगती है या कैसे, वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।